सदी से पहला हिंदुस्तान जैसा था अभी वैसा है। मुझे इन फालतू चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ जैसी चल रही है वैसी चल रही है। मुझे इन फालतू चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कल छुट्टी है, मैं सोचा था वॉक म्यूजियम को चलते हैं। वहाँ खाने को तो मिलेगा ना? अरे भुक्कर, हाँ वहाँ पे शौक मिलेगा। 8 बजे जान हो जाएगा, 9 बजे म्यूजियम बंद हो जाएगा। चलो चलते हैं। मेरा नाम है जहांगीर बाबा। आई यूज टू बी कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। मैं जहांगीर बाबा, मेरा मकसद अपने देश के लिए एटॉमिक एनर्जी का विकास करना था। मैं अपनी मर्जी से साइंटिस्ट बना, पर मानो ऊर्जा विकास करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हुई, मगर मैं अपनी लगन नहीं छोड़ी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद सारे साइंटिस्ट बनेंगे, भारत का नाम आकाश की ऊंचाइयों पर लिखेंगे, मगर अफसोस मेरा ये काम कोई समझ न पाया। मैं गलत थी, मैंने कहा था मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज के लिए अपने बच्चे तक को खुद से बांध कर मैंने युद्ध लड़ा, तिरंगों का सबक सिखाया, मगर आज मेरे ही भारतवासी तिरंगों की चाल कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे भारतवासियों पर जो राज शुरू कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज क्या होता है। एक रईस खानदान में पैदा होकर भी मैं देश के लिए देश की सलाखों के पीछे चला गया। मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। जेल की तकलीफें बर्दाश्त की, जेल से अपनी बेटी को खत लिखता था और एक नया और आजाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखता था। हिंदुस्तान आजाद हुआ और मैं हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम बना। मेरा मकसद हमारे मुल्क को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना था और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना था। मगर आज का हिंदुस्तान रिश्वतखोरी, चोर बाजारी और गंदी सियासत की भेंट चढ़ गया है। मेरा नाम मौलाना अबू कलाम आजाद है। 12 साल की उम्र से अंग्रेजों के खिलाफ दो अखबार अल हिलाल और अल बलाग को लिखने लगा।
कई तकारियां की और जलसे जुलूस की शिरकत को और अपनी ज़्यादातर जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटा आज़ाद हिंद। यहाँ तक कि जब मेरी बीवी जुलेखा दिख की बीमारी की वजह से मर गई, उस वक्त भी मैं जेल में था। आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम बना। हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को आला तालीम याफ्ता देखना मेरा ख्वाब था, मगर आजकल की नई नस्लें पबजी, फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैन जैसे मोबाइल गेम खेल रहे हैं। तालीम के बहाने यूट्यूब में खोए हुए। मेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। 2 अक्टूबर को पैदा हुआ हूँ, जिसे आप लोग गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं। मैं लंदन से वकील की पढ़ाई पढ़कर आया था, मगर हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज और जुल्म सितम देख कर मैं सत्य और हिंसा के मार्ग पर चल पड़ा और अपने इन्हीं हुकूमों को अपनाते हुए आज़ादी हासिल की और आप लोगों का बापू फादर ऑफ नेशन कहलाया। मगर क्या मैंने सत्य और अहिंसा के मार्ग नहीं दिखाया था? जो आप लोग झूठ और हिंसा के मार्ग पर चल पड़े हो, सत्य का गला घोटा जा रहा है। वही भारत है जिसके हमने ख्वाब देखे? जवाब दो हमें। क्या ये वही भारत है जिसके लिए हमने कुर्बानी दी थी? क्या ये वही भारत है जिसके लिए हमने अपना सब कुछ तैयार किया? पूछो अपने आप से यह सवाल, पूछो कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। जय जय हिंद।